दिया है आप लोगों को, उस पैसेज में ढेर सारे आपको लोकल शब्द, स्थानीय शब्द मिलेंगे। कोई राजस्थान का शब्द हो सकता है, कोई गुजरात का शब्द हो सकता है। और यह पैसेज जो मैंने आपको दिया था, इस तरह का पैसेज पहले परीक्षा में आ चुका है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि अगर कुछ अनुवाद के लिए आता है और स्थानीय शब्द हो, किसी स्थानीय भाषा के, मतलब राजस्थान का हो या मारवाड़ का हो, कहीं का भी हो, तो हमको बड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? पहली बात तो हमारे समझ में वह शब्द ही नहीं आता है। दूसरी समस्या हमारे साथ, जी गुड मॉर्निंग, दूसरी समस्या हमारे साथ यह है कि शब्द अगर समझ में आ भी गया हमें, तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती है। तो आप लोगों को सबसे पहला, जब घर में अभ्यास भी करेंगे, तो ऐसा पैसेज अगर आता है तो सबसे पहले आप लोगों को जो कठिन शब्द है उसको अंडरलाइन कर लेना है। मोबाइल में तो अंडरलाइन होगा नहीं, स्क्रीन खराब हो जाएगा, तो थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसको नोटबुक में लिखना होगा। आप में से कितने लोगों ने मेन स्क्रिप्ट को नोटबुक में लिखा है? कितने लोगों ने लिखा है, जरा मुझे बताएं। आपने लिखा है, वेरी गुड। और किसी ने? जी सर, मैंने भी लिखा है। हाँ, जिन, देखिए, अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो अपनी प्लानिंग्स आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे मुझे 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का मकान बनाना है, वो आपको डायरी में लिखना पड़ेगा। आपको याद आए तो लक्ष्य लेके चलें। इसी तरह से जब आप अनुवाद कर रहे हैं, तो अनुवाद में भी आपको इस तरह का लक्ष्य लेके चलना होगा। देखिए, स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, सबसे पहला जो वाक्य है वह वाक्य है, नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। बात नहीं, नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। क्या लिखा है आप लोगों ने, इसका अनुवाद क्या किया है? देखिए, जब इस तरह के क्रिटिकल अनुवाद आते हैं, नदियों के बाद, आपको दो घटनाएं अगर मिलती हैं एक साथ, किसी भी संदर्भ में दो अगर घटनाएं मिलती हैं, तो उन घटनाओं में जो घटना पहले घटती है उसका अनुवाद पहले या उसकी लाइन पहले, राव बाबू अब रख दीजिए, हाँ ठीक है, उसका अनुवाद पहले। यहाँ किसका अनुवाद पहले करेंगे? नदियों के बाद किसका नंबर था? तालाब का। तो क्या लिखेंगे? कुछ लोगों ने लिखा है आफ्टर रिवर्स इट वाज, क्या लिखा है? टर्न ऑफ टाइम। आफ्टर रिवर इन्होंने लिखा है, मैं नहीं लिख पाया। आफ्टर रिवर्स नाउ द नंबर इज फॉर पॉन्ड्स। देखिए, नंबर नहीं होगा, नंबर का मतलब होता है संख्या, बारी समझ लीजिए। जैसे नदियां चली गई, थोड़ी देर के लिए दूसरे ढंग से समझ। जी बोलिए। टाइम सर, इट वाज टाइम फॉर पॉन्ड्स। टाइम नहीं, टर्न होगा। हाँ, इट वाज टर्न। अब टर्न की स्पेलिंग क्या होगी? TERN या TURN? TE जिन्होंने लिखा है वो गए काम से। इट वॉज टर्न। किसका टर्न था? टर्न ऑफ या फिर पॉन्ड अपोस्ट्रोफी एस लगा के टर्न। क्या लिखा आपने? सर ऐसा नहीं होगा, आफ्टर रिवर नेक्स्ट वेयर पॉन्ड्स। आफ्टर रिवर नेक्स्ट वेयर पॉन्ड्स नहीं होगा। देखिए, आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखी है? ना, नहीं नहीं, देखिए, आपके सामने जो पैसेज है वो कठिन है क्या? आपको लग रहा होगा कि पैसेज हमारा कठिन है, लेकिन आसान शब्दों में लिखा है, नदियों के बाद। मैंने आपको बताया जहां सांस रुके वहां रोक लीजिए। नदियों के बाद मतलब आफ्टर पॉन्ड्स। किसका था? इट वॉज, जो भी आफ्टर रिवर नदियों है ना, आफ्टर रिवर इट वॉज द टर्न ऑफ किसका? पॉन्ड। या फिर आपने लिखा होगा कि इट वॉज द पॉन्ड टर्न आफ्टर क्या? रिवर। अगर इस तरह लिखा है आप लोगों ने, तो वह भी चलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अपना फोन दे दीजिए हमको। आफ्टर रिवर इट वॉज पॉन्ड टर्न, या जैसे आप लोगों ने लिखा है। अगले वाक्य पे चलते हैं हम। अगला वाक्य कहता है, हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं।
और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया है। यहाँ जो रिनेसा शब्द है यह मूलतः अंग्रेजी का शब्द है। रिनेसा का मतलब है पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण था। रिनेसा जो शब्द है इसे पुनर्जागरण कहा जाएगा। अब चूंकि हिंदी में उस शब्द को अंग्रेजी रूप में लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम रिनेसा ही लिखेंगे या पुनर्जागरण लिखेंगे? रिनेसा ही लिखेंगे। कितने लोग सहमत हैं? एकदम रिनेसा ही लिखेंगे, क्योंकि हम तो अंग्रेजी में कर रहे हैं। रिनेसा लिखेंगे सर। ठीक है, रिनेसा ही लिखेंगे। उसकी स्पेलिंग क्या होगी? आर ई एन ए आई डबल एस ए एन सी। सही है, कंफर्म है? आपने कह दिया पांच लोगों ने, तो पांच आदमी जो कह दे फाइनल है। ठीक है, चलिए। तो अब जो दूसरा वाक्य है उसका अनुवाद करेंगे। नदियों हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं। कौन समझता है, प्रश्न करेंगे हम लोग, कौन समझता है? इंजीनियर, किसके इंजीनियर? हमारे। और कब के? आज के। तो इसमें कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? आवर टूडेज इंजीनियर। आवर टूडेज इंजीनियर। आप लोगों ने क्या लिखा है? अंजलि सर, सर हाँ बोलिए बोलिए। तो मैंने लिखा प्रेजेंट इंजीनियर्स। आवाज नहीं आई प्रिया। सुरभि क्या लिखा आपने? प्रेजेंट इंजीनियर्स लिखा है, आवर प्रेजेंट इंजीनियर्स। देखिए इसमें आवर शब्द जो है उसे आप लोग आवर टुडेज इंजीनियर्स शब्द चाहे तो उसको आप लोग गोल भी कर सकते हैं, क्योंकि उच्चारण में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है हमें। आवर जो है उसको गायब कर दीजिए। टुडेज इंजीनियर लिख सकते हैं, आवर लिखना ही चाह रहे हैं। हाँ, आवर मॉडर्न इंजीनियर, ये बहुत अच्छा प्रयोग बताया अमित जी ने। आवर मॉडर्न इंजीनियर या फिर इंजीनियर्स ऑफ दिस न्यू एरा। वेरी गुड, एक और प्रयोग, बहुत सुंदर। और कोई सुझाव बताएं? अरे सुझाव मांग रहा हूं। ठीक है, दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। इवन अगर आपने आसान किया आवर टूडेज इंजीनियर तो उसको भी मान लेते हैं। सोचते हैं, देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लेंगे। सोचते हैं का क्या होगा? थिंक, थिंकिंग नहीं होगा ना? हाँ, क्या? थिंक, कंसीडर, बिलीव, और कोई अंडरस्टैंड नहीं होगा? कंसीडर होगा तो वाक्य संरचना बदल जाएगी। बिलीव के साथ दैट होता है, कंसीडर के साथ दैट होगा, थिंक के साथ भी दैट लगा सकते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं? वे पानी का प्रबंध जानते हैं। थिंक दैट दे नो द क्या? दे नो के बाद फिर द नहीं होगा क्या? मैनेजमेंट ऑफ वाटर नहीं, वाटर मैनेजमेंट ही एक शब्द प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ वो एक चीज आपको ध्यान देना है, वे जानते हैं, इसका मतलब वे सर, ही जानते हैं। सर, हाउ टू मैनेज वाटर, तो दे वाली अगर हाउ टू मैनेज वाटर नहीं ठीक होगा, मैनेजमेंट ही होगा। ठीक है, अरेंजमेंट नहीं, द मैनेजमेंट द लिख सकती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि दे ओनली नो द वाटर मैनेजमेंट। टू मैनेज वाटर का मतलब हो गया कि पानी यहां से ऐसे गिर रहा है तो मैं बोलूंगा पानी दक्षिण दिशा में जा, वो मैनेज कर रहा हूं मैं। जैसे मैं 10 लोगों को मैनेज कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जो बच गए मेरे साथ आओ। दैट इज मैन पावर मैनेजमेंट में चलता है। लेकिन वाटर मैनेजमेंट अपने आप में एक शब्द है, जल प्रबंधन। जैसे पानी कम खर्च करना है, पानी कहाँ जमाना है, कैसे बचाना है, वो उसमें आता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्या आप लोगों ने अगर इससे मिलती जुलती संरचना के साथ अनुवाद किया है तो जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही दिखे। आप मुझे बता दीजिए, हम लोग एक बार सहमत हो सकते हैं दोनों। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े हम लोग। शिवानी, शिवानी सुन नहीं रही है। और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, एंड पहले जमाने के लोग अर्ली नहीं ancient होगा, एंशियंट पीपल चलेगा, एंशियंट मतलब बहुत पुराना हो जाएगा, प्रीवियस जनरेशन भी चलेगा, पीपल ऑफ प्रीवियस जनरेशन, बहुत सुंदर। और कोई प्रयोग, पीपल ऑफ अर्लियर टाइम लिखना चाह रही हैं, ठीक है मान लेते हैं आपकी भी बात। और कोई उपाय, और कोई सुझाव, एंशियंट टाइम्स नहीं होगा, हाँ पीपल ऑफ ओल्ड एरा इन्होंने बताया, इसका मतलब पांच सुझाव हमारे पास आया, पांचों चलेगा। ओल्डर पीपल लिखना चाह रही हैं, लिख सकती है, ओल्डेस्ट नहीं होता है, ठीक है, पांच से ज्यादा ऑप्शन नहीं लिया जा सकता इसमें। आगे बढ़ते हैं, आप क्या लिखे हैं, कुछ नहीं जानते थे, आपने सब्जेक्ट लिख दिया कुछ नहीं जानते थे, इसका क्या होगा, डिड नॉट नो एनीथिंग, या फिर आपने क्या लिखा है, ठीक है वेरी गुड, नो नथिंग भी लिख सकते हैं, नो नहीं होगा न्यू होगा, पास्ट टेंस में तो नो का न्यू होता है, न्यू नथिंग या डिड नॉट नो एनीथिंग, क्या लिखा है, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने यही लिखा होगा, डिड नॉट नो एनीथिंग, किसी का माइक ऑन है बंद कर लीजिएगा, ठीक है, दे हैड नो नॉलेज, तो फिर आपने लिखा है एंशियंट पीपुल या आवर एंसेस्टर्स भी आप लिख सकते हैं, हैड नो नॉलेज, ठीक है, अगर आपने लिखा है चल जाएगा, क्योंकि देखिए इतना अनुवाद का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम डिट्टो, जैसे एक आदमी लिख रहा था, कॉपी कर रहा था दूसरे की, अचानक उसके उसपे एक मक्खी आई तो उसने थप्पड़ मारा, मक्खी मर गई, लिखना शुरू किया, जो कॉपी कर रहा था उसने कहा अरे मक्खी मारना पड़ेगा, कहीं से ढूंढ के मक्खी लाया, उस लाइन पे मारा, तो ऐसा मक्खी टू मक्खी नहीं होना चाहिए, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। जानते थे क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया, न ये न जो शब्द है इसका क्या अनुवाद करेंगे, हा? क्या बोले, नहीं आया है ना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता तब आप डिड नॉट इट लिखना पड़ेगा, आप ऐसे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि द नॉलेज क्या आया है, क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, तो ज्ञान आया है, नॉलेज क्या दिया है, आया है, नॉलेज केम Only after light की जरूरत नहीं, नॉलेज केम ओनली आफ्टर द रेनेसा, वेस्टर्न रेनेसा लिखेंगे, रेनेसा ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज भी लिख सकते हैं, वेस्टर्न रेनेसा थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, आप क्या लिखेंगे, वेस्टर्न रेनेसा इतिहास में क्या है, वेस्टर्न रेनेसा इतिहास में आता है, ठीक है, रेनेसा ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज भी लिख सकते हैं, रेनेसा ऑफ वेस्ट भी लिख सकते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको कि एक वाक्य को पांच तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ आपका ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं होना चाहिए, हाँ हैज कम लिख दिए कोई बात नहीं, एक ही बात है, देखिए कई बार क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माइनर डिफरेंसेस हैं, आया के बाद अगर है तो हैज कम लिखा जाएगा, अगर आया है नहीं है तो केम होगा, ठीक है आगे बढ़े, हो गया खत्म इसका, बिकॉज दे थिंक दैट रेनेसा हैज कम कहां से, सॉरी द नॉलेज हैज कम ओनली आफ्टर द रेनेसा, ठीक है, रहने सास एक्चुअली लिखते थे लेकिन सास हमारे यहाँ लोग समझ लेते हैं सासूज माँ, इसलिए रहने सा उच्चारण करने लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मालवा के विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनिसा के बहुत पहले हो गए, रिनिसा के पहले हो गए,
हो गए का मतलब क्या है यहाँ? अराइव्ड रथ पे, हाँ हो गए मतलब वी आर बॉर्न लिखिए ना। मनुष्य जो है क्या होता है, वो जन्म लेता है ना, तो हो गए का मतलब उनका जन्म हुआ। तो किसका किसका जन्म हुआ? विक्रमादित्य एंड भोज, विक्रमादित्य कौमा भोज एंड मुंज वेयर बॉर्न। हाँ एडजस्ट हो जाइए भाई, वेयर बॉर्न। मुंज कहाँ के थे, पहले जगह भी लिखना पड़ेगा ना, मुंज ऑफ मालवा। आप लोग थोड़ा सा आगे होकर एडजस्ट कर लीजिए भैया आए हैं, नहीं तो वहां बैठ जाइए ठीक है। इन मालवा से नहीं होगा, ऑफ मालवा होगा, के है ना, ना मालवा नहीं थी चलेगा। पहले व्यक्ति लिखिए फिर स्थान लिखिए, ऐसे वाक्यों में। सर इसकी हिंदी कहाँ पे है? बिफोर द रेनेसा जी, ग्रुप में भेजा था। आप ग्रुप में हैं हमारे साथ? किस ग्रुप में सर भेजा था आपने? कई ग्रुप में ऑनलाइन 2023, ऑनलाइन 2023 उसमें तो शायद नहीं, उसमें तो शायद नहीं है क्या? हम आप जुड़े नहीं होंगे, राजेश को बोले नहीं होंगे जोड़ने के लिए। आप सर, स्क्रिप्ट मांग लीजिए ग्रुप है, मैंने कहा ना, मैंने दो तीन जगह भेजा था, जिनके पास नहीं है राजेश को फोन करके मांग लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ स्थान जो है सर मालवा में ही है ना, मालवा स्थान का नाम है ना, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए थे। तो सबसे पहले हम लाएंगे कौन हुए थे, तो विक्रमादित्य भोज एंड मुंज हो गए थे का मतलब उनका जन्म हुआ था। वेयर बॉर्न, कहाँ जन्म लिए थे? इन मालवा। कब लिए थे? बिफोर रेनेसा, मच बिफोर भी लिख सकते हैं इसको, बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर भी लिख सकते हैं। बताइए इन मालवा बोलने के बाद कुछ ना कुछ उसमें, देखिए कुछ ना चले तो हम नमक रोटी खा लेते हैं, लेकिन सही मायने में इन मालवा से इस वाक्य का शुरुआत ठीक नहीं है। इस वाक्य का जब अनुवाद कर रहे हैं तो ढंग से करिए, हम जो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है उसको मान के चलें, कोई दिक्कत है मानने में? जो लोग नए आए हैं शायद समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ पा रही ना, तो आपके पास थम्स अप का ऑप्शन होता है या ऐसे हाथ खड़ा करके प्रश्न कर सकते हैं, पैसा नहीं लगता प्रश्न पूछने का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपियर कैसे होगा, अचानक आ गए जैसे वो रावण प्रकट होगा आ करके, जन्म ही लेगा ना इंसान है तो। भगवान होता तो हम बोल सकते थे कि जस्ट नारद मुनि आ गए, नारायण नारायण, वो सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य कहता है कि वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी रोक कर रखना होगा। अगेन सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम आसान रूप में मैं समझा रहा हूं आपको। वे का मतलब दे, क्यों दे होगा दादा? वे राजा, राजा जी है ना, तो राजा जी को हम सम्मान दे रहे हैं। हाँ नहीं, इसमें लिखा हुआ वे और अन्य राजा, आप दे से लिखना चाहते हैं दे एंड अदर किंग्स, यहाँ एक्चुअल में ही होगा क्योंकि मूल वर्णन महाराजा विक्रमादित्य को लेकर के है, ही एंड ऑल द अदर किंग्स, यही होगा ना, ऑल द किंग्स ऑफ मालवा, वे और मालवा के सब राजा। आप लोग हम्प्टी डम्प्टी सुना है आप लोगों ने? हम्प्टी डम्प्टी में कहीं एक आता है एंड ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुड नॉट पुट टुगेदर हम्प्टी डम्प्टी अगेन, वो ऑल द किंग्स हॉर्सेस वो यहाँ सेट कर दीजिए, इसलिए बचपन में बच्चों को पढ़ाते हैं किस तरह का अनुवाद कर पाएंगे। ठीक है, वे एंड ऑल द किंग्स कहाँ के? ऑफ मालवा। क्या करते थे? जानते थे, न्यू दैट इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा।
किसको रोक के रखना होगा? कौन से पानी को? द वाटर। हैज टू बी आएगा, इज टू बी क्या आएगा? हैज टू बी नहीं होगा। हैज टू बी के अलावा जो भी प्रयोग किया वह गलत होगा। रखना होगा, नीड टू भी लिखना चाह रही हैं। दे नीड नहीं, वाटर को रोकना होगा। दे नीड टू की स्टॉप नहीं हुआ, स्टोर होगा। यहाँ पानी को इस पठार पर, पठार को क्या कहते हैं? द वाटर हैज टू बी स्टोर्ड। रोक के रखने के लिए स्टॉप्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो चल के नहीं जा रहा, आप उसको रोकने आ रहे हैं। द वाटर हैज टू बी स्टोर्ड कहाँ? एट, इन या ऑन? क्या होगा? ऑन, क्या? ऑन दिस, अपॉन नहीं लिखेगा। ऑन दिस प्लेटू, प्लेटू का स्पेलिंग P-L-A-T-E-A-U नहीं होगा, पैलेट होगा, P-L होता है। वेरी गुड, प्लेटू का देख लीजिएगा, जिसने पी ए से शुरू किया है वो गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं कोने में बैठ के? दोनों भाई मिला रहे हैं या लिख रहे हैं? उनसे ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, अगला वाक्य है। क्या वाक्य क्या था? वे और मालवा के सब राजा। आप लोग दे प्रयोग करना चाहते हैं, दे नहीं, ही से शुरू करिए। ही एंड ऑल द किंग्स ऑफ कहां? मालवा न्यू दैट द वाटर हैज टू बी स्टोर्ड, S-T-O-R-E-D स्टोर्ड कहां? ऑन एट, ऑन दिस एट, क्यों नहीं? एट छोटे स्थान के लिए लिखा जाता है, और पठार जो है छोटा स्थान नहीं होता, ठीक है, इसलिए वहां हमने ऑन का प्रयोग किया है। आगे बढ़े, पानी का बोतल वहीं बीच में गई है। देखिए अगला वाक्य लेते हैं। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ में पानी को जीवंत रख सकें। सबने तालाब बनवाई, बनवाने का क्या होगा यहाँ? मेड, बिल्ड, बिल्ड या फिर मेड। एवरीबॉडी तालाब बनवाना। तालाब कैसे बनाते हैं जी? खोद के, तो डिग डग डग कुछ शब्द होता है ना, डिग डग डग में से कोई एक शब्द, डिग डग क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस डग, या फिर कंस्ट्रक्टेड, हर जगह फिट हो जाता है। बिल्ट इमारत बनाई जाती है, या तो कंस्ट्रक्शन जो शब्द है ना वो हर जगह चल जाता है, या तो कंस्ट्रक्टेड का प्रयोग कर लेंगे, नहीं तो डिग डग डग में से जो आपको पसंद हो कौन सा आएगा? डग। एवरीबॉडी डग क्या? पॉन्ड और कमा, उसके बाद तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई। बड़ी बड़ी को यहाँ क्या लिखेंगे? दो बार लिखेंगे, लार्ज लार्ज। मैंने आप लोगों को बताया था जहां इसको द्विरूपी कहा जाता है, यहाँ कोई शब्द हिंदी में दो बार प्रयोग होता है उसका एक ही अंग्रेजी लिखेंगे। बड़ी बड़ी का मैसिव नहीं, लार्ज यहाँ चलेगा, नहीं यूज तो ऊंचाई से हो जाता है। लार्ज बावड़िया का क्या? बावड़ियों का आप स्टेप वेल लिखना चाह रहे हैं, स्टेप वेल शायद है, स्टेप नहीं है, स्टेप वेल होता है। बावड़ियों का मतलब ऐसे ही में, उसमें सीढ़ियां लगी होती हैं और बहुत गहरा कुआं होता है, तालाब के जैसा ही होता है। कभी आप लोगों को अहमदाबाद जाने का मौका मिले तो वहां जाके देख सकते हैं। तो उसे रिजर्वायर, अगर मान लीजिए स्टेप वेल नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं याद आया, तो मैं रिजर्वायर लिख के काम चला सकता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड, या फिर गॉट कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि खुद तो किया नहीं होगा। गॉट बिल्ट होता है? नहीं होगा, बिल्ट होगा, ठीक है। आगे बावड़िया बनवाई हो गया, आगे बढ़े। ताकि, ताकि का सो दैट
बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ में पानी को जीवंत रखा जा सके। बरसात का पानी रुका रहे क्या होगा, द रेन वाटर रुका रहेगा, कुड बी स्टोर्ड एंड धरती का गर्भ लिखा है ना, धरती का गर्भ को क्या लिखे, क्रेस्ट लिखा जाता अर्थ का गर्भ, तो वो तो वूम्ब नहीं है ना, क्रेस्ट लिख सकते हैं या इनर सरफेस ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं, इनर सरफेस ऑफ द अर्थ या अर्थ क्रेस्ट लिखा जाता है ना, क्रेस्ट और क्रेस्ट इनर सरफेस लिख सकते हैं। जीवंत क्या लिखा आगे, पानी को जीवंत रखा जा सके, ये जीवंत रखने का जो बताएगा उसको 10 नंबर। नहीं आप लोग मोबाइल क्या करते हैं, मोबाइल क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वहां चार्ज होगा। द वाटर कुड बी चार्ज या रिचार्ज इन द इनर सरफेस या इनर लेयर ऑफ द अर्थ, या द अर्थ कुड बी रिचार्ज विथ इनर लेयर ऑफ द अर्थ कुड बी रिचार्ज विथ, जो भी है पानी है जो भी है, ठीक है। एक्टिव या पैसिव दोनों रूप में इस वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। फिर से बोले, एक मिनट जरा, बड़ा कष्ट देता है कान वाला। मैंने बताया, पहला तरीका बताया कि द इनर सरफेस ऑफ द अर्थ कुड बी रिचार्ज, मैंने बताया मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, खत्म हो गया 399 रुपये का रिचार्ज, तो उसी तरह से कुड बी रिचार्ज विथ किससे, वाटर वा इन द इनर सरफेस ऑफ अर्थ कुड बी रिचार्ज विथ वाटर, या दूसरे तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूसरे तरह से, वाटर कुछ भी कुड बी रिचार्ज इन द इनर सरफेस ऑफ द अर्थ। शायद इस कन्या को नहीं समझ में आया इसलिए इधर उधर ताक रही है, समझ में आ गया क्या लिखी हो, लाल कलम क्यों लिख रही हो, गलत बात है। चलिए आगे बढ़े, ऑनलाइन सब लोग क्लियर हैं या और एक बार बताऊं? नहीं सर क्लियर। प्रिया ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड पैरा मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। अगला है, हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाब को गाद में भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। देखिए कितनी विसंगति है इस वाक्य में। गाद जो शब्द है ना, गाद को हम लोग जहाँ कचरा उचरा फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, डंपिंग यार्ड बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या होगा, डंप, ठीक है, डंप विथ, क्योंकि गाद शब्द है, स्थानीय शब्द है, गुजरात राजस्थान में चलता है, तो इसका फिर कैसे बनाएंगे बताइए। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने, इसके पहले हमने किया है ना, क्या लिख, अब अगर आपने ऊपर लिखा है टूडेज लिखा है तो नीचे भी टूडेज का प्रयोग होगा, प्रेजेंट एरा का प्रयोग किया है तो प्रेजेंट एरा का प्रयोग होगा, जो भी आपने ऊपर वाले वाक्य में किया है वही यहाँ प्रयोग होगा। वहां नियोजक एक शब्द जुड़ गया इंजीनियर के साथ, नियोजक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, है प्लानर, नियोजक को प्लानर कहते हैं, नियोजक मुझे तो लगता है जो नौकरी देते हैं एम्प्लॉयर्स, लेकिन यह इंजीनियर है तो प्लानर लिख सकते हैं, टाउन प्लानर, ठीक है, तो प्लानर्स लिख लेते हैं सर्वसम्मति से। दिक्कत हो रही है बैठने में, बैग इधर दे दीजिए, हम लेके भागेंगे नहीं, इतना तो विश्वास है ना, इतने लोग दौड़ जाएंगे पीछे पीछे, उस पर से दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, तो आवर प्लानर्स एंड इंजीनियर, आप लिख रही हैं, ठीक है, आवर प्लानर्स एंड इंजीनियर, हाँ बाबा हमारे आज के, वो टुडेज उजे जो आपने भरा है मैं इसलिए उसमें ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ने तालाब को गाद से भर जाने दिया, है क्या, फिल्ड नहीं होगा, भरना का क्या, फील्ड, हाँ भर जाने दिया, यहाँ भर जाने दिया के साथ अगर लेट का प्रयोग किया है तो आप सब फेल हैं,
allowed the ponds to be filled with garbage. Allowed the ponds to be filled with garbage. Allowed the ponds again to be filled with. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, शिवानी आप शायद राजस्थान या हरियाणा से है ना? शिवानी सुरभि मेरी आवाज सुन रही हैं? गाद किसको कहते हैं आपके यहाँ सुरभि? जी सर, सब मुझे नहीं पता, सब मैंने तो पहली बार सुना। अच्छा, कोई है और जो राजस्थान साइड से हो या हरियाणा साइड से? नहीं, ठीक है। यह प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ। हाँ, स्लज, SLUDGE लिख सकते हैं। गाद जो शब्द है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग इसका शाब्दिक अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। कोई आप लोगों का नेटवर्क बहुत ज्यादा है, फेसबुक पे एक प्रश्न डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे कि भाई गाद क्या कहते हैं, देखिए क्या जवाब आता है। ये आजकल एक भूत और चला हुआ है। कौन सा भूत? चैटबोट, चैट जीपीटी, उसको भी पूछ के देखिए, उसको हिंदी वैसे कम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने जो कहा है वो गलत है क्या, ठीक है? ये कहाँ बतिया रही है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। एंड निकाल लिया सबसे पहले होगा क्योंकि हम इसको पैसिव वॉइस रूप में प्रयोग करेंगे। निकाल लिया के लिए क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्शन मतलब निकाल लेना होता है। ड्रू भी लिख सकते हैं, ड्रॉ, ड्रू खाली, ड्रॉ से ड्रू बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा हो, इंजेक्शन कभी लगवाया आप लोगों ने? जरूर कोविड काल में तो लगवाया होगा। उसमें पहले सिरिंज खाली ऐसे भरा जाता है, फिर ऐसे खींचा जाता है तो उसमें दवा आ जाती है। उसी को ड्रू शब्द से कहा गया, मतलब पानी खींच के निकाला है ना। तो आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? एक्सट्रैक्टेड भी चलेगा, ड्रू भी चलेगा। कुछ और शब्द आप लोगों ने लिखा है तो मुझे बताएं। है नहीं ड्रू क्या? कौन सा वाटर? ड्रू द अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। ड्रू द अंडरग्राउंड वाटर कहां से? इवन फ्रॉम पाताल को क्या कहेंगे? इन फर्गो, कितने लोग सहमत हैं इनके शब्द से? शब्द बहुत अच्छा है लेकिन जब मुझे ही नहीं पता तो परीक्षक को कहां से पता होगा। और फिर परीक्षक महोदय उस पर ऐसे कलम भी नहीं चलाएंगे और आपको नंबर नहीं देंगे। बोलिए क्या होगा? नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? सर वैली। वैली का मतलब घाटी होता है। हमने इसके पहले क्या शब्द प्रयोग किया? धरती का क्या चार्ज है पानी से? इसमें आया है ना, क्रिस्ट लिखा है हमने। एक जगह मैंने क्रिस्ट का प्रयोग किया है तो क्रिस्ट लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है। अर्थ क्रेस्ट लिख दीजिए या अर्थ इनर सरफेस लिख दीजिए, जो आपने वाक्य में पहले प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत कठिन या बहुत जटिल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं अनुवाद में तो भी नंबर कटता है। वर्ल्ड नहीं, अर्थ से निकाल रहे हैं ना। अंडरवर्ल्ड भी मत लिखिएगा, अंडरवर्ल्ड तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला वाक्य, नदी नाले सूख गए। नदी नाले के लिए अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, नदी नाले सूख गए। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, क्या है? अरे कोई तो बताइए, एम ए इंग्लिश कौन कौन है? एम ए इंग्लिश, नदी नाले सूख गए इसके लिए। अरे ऑनलाइन आप लोग बोल नहीं रहे हैं, आप लोग मौन है, हमें लग रहा है चाय पीने में मस्त है। नदी नाले के लिए वाटर बॉडीज लिख दीजिए, ऑल द वाटर बॉडीज है, ड्राइड अप, ठीक है, ऑल द वाटर बॉडीज लिख दीजिए। इसमें नदी नाले दोनों आ जाएंगे। अगर आप लिखेंगे रिवर्स एंड ड्रेन
अटपटा लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मुहावरा हिंदी में कहूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका आप शाब्दिक अनुवाद कर दीजिए, नॉट नोइंग डांसिंग एंड टेलिंग आंगन के लिए समझ में कुछ नहीं आया, तो कॉरिडोर टेढ़ा को कह देंगे क्या हैज कॉर्न, नहीं चलेगा। जो इस तरह की चीजें हैं क्या बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, उसके लिए समरूप कोई शब्द अगली भाषा का लेने का प्रयास करेंगे। वाटर बॉडीज बेस्ट प्रयोग है इसके लिए, ठीक है। आप क्या लिखे हैं? स्ट्रीम तो झरना हो जाता है, और कोई बताए नदी नाले के लिए क्या लिखा है एम ए हिंदी वाले? हाँ मुहावरों का मुहावरा ही अर्थ दीजिए। एम ए हिंदी वाले क्या लिखे हैं? एम ए इंग्लिश वाले तो बता दिए, एम ए हिंदी, हम तो एम ए सोशियोलॉजी है, ठीक है। चलिए हिंदी भी है, ऐसी बात नहीं है। लैंड वाटर नहीं होगा, वाटर बॉडी ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पग पग नौर वाला मालवा सूखा हो गया, स्टेप बाय स्टेप। पग पग क्या है यहाँ? नौर वाला मालवा, नौर वाला जगह का नाम है, मालवा प्रदेश है। मालवा सुना है आप लोगों ने नाम? मालवा में पहले बड़े बड़े वो डाकू वकू भी हुआ करते थे। ग्रेजुअली, वेरी गुड, इन्होंने ग्रेजुअली शब्द का प्रयोग किया। बताइए आप लोग, पग पग स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन लिखें वो भी चलेगा, ठीक है, वन बाय वन। चलिए आगे बोलिए। हाँ बोलिए, शिवानी बोल रही है, बताइए। सुरभि, और वाला मालवा ड्राइड अप, ठीक है, ड्राइड अप, बिकेम ड्राई नहीं, ड्राइड अप, सूख गए। आगे बढ़े, आगे पग पग नौ सूखा हो गया, लेकिन इस बार बिलावली भर गया है। बिलावली है क्या? नौर वाला को नौर वाला ही लिखिए, बिलावली भर गया है। अब देखिए क्या हुआ, बिलावल जो शब्द है, बिलावल से शायद बिलावली बना होगा, मुझे लगता है या तो इसको हम रिजर्वायर लिख देंगे, या तो रिजर्वायर लिख देंगे, और नहीं तो आप लोग डिक्शनरी से ढूंढ के कल एक शब्द दीजिएगा हमें, अंडरलाइन कर लीजिए, देखें कितने लोग देते हैं। ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी लिख लें, ठीक है। बिलावली को मुझे लगता है ऑल द रिजर्वायर लिख देते हैं, लेकिन इस बार बिलावली भर गया, बट दिस टाइम द बिलावली वॉज फुल। हाँ हंसने क्या बात है, द बिलावली वॉज फुल, इज फुल, भर गया है, हैज फुल नहीं होगा, इज फुल, चलिए इज फुल ले लेते हैं, ठीक है। बिलावली इज फुल, मुझे नहीं जच रहा है फुल लिखना। बोलिए, इस यहाँ एक शब्द मेरी तरफ से आप लिख सकते हैं, रिचार्ज लिख सकते हैं, रिचार्ज्ड, नहीं नहीं बिलावली रिचार्ज लिख देते हैं, क्योंकि खाली था भर गया है, तो रिचार्ज लिख सकते हैं, या फिर इज फुल लिखा आपने तो चलने दीजिए। आगे बढ़े, बोलिए कोई कुछ कह रहा है ऑनलाइन? बिलावली इज की जगह पे हैज लगेगा, बिलावली हैज फिल्ड अप, ये लिखना चाह रहे हैं। हैज अगर प्रयोग करेंगे तो हैज फुल नहीं होगा, हैज फिल्ड अप लिख सकते हैं। इज का प्रयोग करते हैं सिंपल में, इज फुल, हैज फिल्ड अप, दोनों चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ क्या रिवाइव लिखना है, रिचार्ज ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वाटर बॉडी रिचार्ज होती है। हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, मेरा आज ही खत्म हो जाएगा जियो वाला, तो 999 या 600 कुछ आता है, तो उसको मुझे चार्ज करना होगा या रिचार्ज करना होगा? रिचार्ज मतलब दोबारा चार्ज करना होगा, इसी तरह ये दोबारा रिचार्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं, पिपल्या पाला भर गया है। देखिए एक चीज मैं फिर से अपने आप को करेक्ट करूंगा, बिलावली अगर हम लोग स्थान मानेंगे तो वहां फुल होगा,
ठीक है, इसी तरह से प्लेस का ही नाम आ रहा है शायद। हाँ, तो वो अगर प्लेस का नाम आ रहा है तो हैज फिल्ड अप चलेगा। उसके बाद क्योंकि पीपल्या पाला ये गांव का नाम है, या फिर मुझे लगता है कि ये आप लोग एक बार सर्च करिएगा इंटरनेट पर, कुछ ये बिलावली नाम है। बिलावली मुझे लगता है बावड़ियों का नाम होगा, जो बावड़ी बनाए है ना राजाओं ने, उसका मुझे लगता है बिलावला बिलावली और पीपल्या पाला दोनों उन बावड़ियों का नाम होगा। उस जगह में बिलावली गांव है, तो पूरा गांव तो डूब नहीं जाएगा, तो वहां कोई बावड़ी होगी। ठीक है, इस फील्ड अप लिखिए चलेगा। पीपल्या पाला भर गया है, पीपल्या पाला भर गया है, हैज ऑल्सो फील्ड अप। क्या लिखा है आपने, बोलिए क्या लिखा है, सब चुप हैं। हैज ऑल्सो फील्ड अप, भी तो यहाँ लिखा नहीं है, सेंस आ रहा है। बिल्कुल अमित जी सही कह रहे हैं, इसमें ऑल्सो का सेंस आ रहा है, तो वहां हैज ऑल्सो फील्ड अप लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्या खोज रही हो, कल खोजना। आगे बढ़ते हैं। सिरपुर में लबालब पानी है, आप लोगों ने किया नहीं इसलिए एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। अरे सुझाव तो दीजिए अगर नहीं किया है तो। सिरपुर में लबालब पानी भरा है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चल ही रहे थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है। 5 मिनट का समय देता हूँ, आप लोगों ने किया नहीं है, 5 मिनट का समय देता हूँ, ये लाइन करिए आप लोग। 11:11 हो रहा है, 11:16 तक ये लाइन कर लीजिए। मैं तो सोचा था आप लोग पूरा करेंगे, ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी कर लें इसको, 5 मिनट का समय देता हूँ। हाँ सर, इसको किसी ग्रुप में भेज दीजिए, GST 23 वाले में तो हम ऐड हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भेजा हुआ है उसमें नहीं है सर। आप राजेश को फोन किए हैं, राजेश को फोन करिए, आपको भेज देंगे। ठीक है, देखता हूँ मैं भी, प्रयास करता हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका कल टेक्स्ट मैंने भेजा था, नंबर बताइए विजय जी, फोन नंबर। विजय जी फोन नंबर बताएं, विजय आपका फोन नंबर। सर 790, एक मिनट होल्ड करिए, 790 511 811 1548 भेज दिया आपको सर, ग्रुप में ऐड कर दीजिए आप। और ग्रुप के लिए राजेश को बोलिएगा क्योंकि एडमिन वही है। अच्छा ठीक है, हो गया, 5 मिनट का समय दिया था मैंने, 3 मिनट हो गया है। हो गया आपका टेस्ट के समय बात करते हैं, गलत बात है, हाँ साइफन को साइफन ही बोलते हैं। कंप्लीटेड, चलिए मैडम दीजिए कॉपी दीजिए। बाबा क्यों बोलती हो, अरे गलती होगी तभी तो सुधारेंगे, सबका हो गया है, सीमा ने सबसे पहले किया है। साइफन का स्पेलिंग क्या होता है, SYCY। ठीक है, SIP है। सिरपुर में लबालब पानी भरा है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चल ही रहे हैं। लबालब पानी भरना, ओवरफ्लो, देर इज प्लेंटी ऑफ, तो चलेगा। और कुछ बताइए, देर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन सिरपुर एंड ऑल द साइफन्स ऑफ यशवंत सागर हैव बीन रन को रैन लिखी है, भाग गए सब छोड़ के गाँव, have been flooded। देखिए चलिए मैं बोलता हूँ, सिरपुर में लबालब पानी भरा है, आप ओवरफ्लोइंग लिखे चलने दीजिए। ठीक है, द सिरपुर इज ओवरफ्लोइंग यही लिखे हैं, द सिरपुर हैज प्लेंटी ऑफ वाटर भी चलेगा, ए लॉट ऑफ वाटर। आगे
ये लॉट ऑफ वाटर ग्रुप में नहीं पड़ेगा। ठीक है रईस जी, आपको भेज दिया। सिरपुर में लबालब पानी भरा, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चल रहे हैं, यहाँ चलना का चले ही थे, कहा है चले ही थे, चले ही थे मतलब चल रहे हैं, हैव बीन रनिंग, चले ही थे मतलब ये गांव छोड़ के उस गांव गए थे, नहीं चले ही थे, हैव जस्ट स्टार्टेड, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। अरे बुलेट चलता है ना, और आप लोग मोबाइल चलाते हैं, उसी तरह से ये जो साइफन है, साइफन क्या करता है, पानी नीचे से खींच करके और बाहर फेंकता है। तो जस्ट स्टार्टेड, चले ही थे, जस्ट स्टार्टेड। ठीक है आगे बढ़े। दौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है। यशवंत सागर, जैसे गंगा सागर को गंगा ओशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ठीक है मानसरोवर, मानसरोवर ही लिखते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। रही जी बताएं क्या होगा इसका, चले ही थे तक का कंप्लीट हो गया ना, फिर भी का येट या स्टिल, STI डबल L दोनों लिख सकते हैं, येट या स्टिल दोनों में से जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। ठीक है फिर भी, उसके बाद इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूं और नाव पर सैर की है। ये तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो गया, आज उतना भी नहीं। There is not as much water in Indore Khan Saraswati River. Very good. There is not as much water in कहाँ? In the mines of Indore. And कहाँ? And in Saraswati River. River Saraswati या Saraswati River, जो भी लिखा आपने। आगे जहाँ, where I used to take bath या bath, खाली bath, yes take bath होता है, bath हमेशा लिया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है हिंदी में bath नहीं लेते हम, तो कूद जाते हैं नदी में। ठीक है where I used to take bath and नदी में, और क्या कहे, नाव में सैर करता था, नाव में सैर का ये बोट राइडिंग, वोटिंग रोड, ए बोट लिखने में दिक्कत है। राइड जो है, राइड का दूसरा रूप क्या होता है, पास्ट रूप, राइड का रोड होता है और क्या नाव बोट। या देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा शब्दों में, इधर ध्यान दीजिएगा मेरी ओर, शब्दों में हम लोग ING लगा करके नाउन में, मैंने आप लोगों को क्रिया में बताया था कि क्रिया को हम लोग किस तरह से संज्ञा को क्रिया रूप में बदलते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम नाउन को क्रिया रूप में बोलते हैं तो उसको जीरा धनिया कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं, वेरी गुड, हाँ जीरा से याद रह जाएगा, ठीक है उसे जीरंड कहते हैं। तो ये जो बोट जो शब्द है उसमें ING अगर हम लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है, नाउन बनेगा, बोट वर्ब है, नाउन में ING लगाएंगे तो क्या होगा, वर्ब बनेगा, क्रिया बनेगी। मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या, छोड़ दिए जीरन रोडन छोड़ दिए, ज्यादा हम उसमें क्लिष्टता में नहीं पड़ेंगे, हमें खुद नहीं पता, हमको इतना पता है कि बोट में हम ING लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है। आई यूज टू गो फॉर बोटिंग। गए कभी आप लोग, कितने लोग नाव चढ़े हैं नाव में, सब नदी पार जिसने किया है बंगाल में, तो जिसने नहीं किया वो बड़ा दुर्भाग्य है उसका, नदी किनारे नहीं है। ठीक है आई यूज टू गो फॉर बोटिंग, जैसे लोगों ने डेट को डेटिंग कर दिया है, आई एम गोइंग ऑन डेटिंग, ऑन लिखते हैं फॉर लिखते हैं, नाराज हो गई बेचारी, हाँ ऑन होता है फॉर होता है, गोइंग फॉर डेटिंग नहीं, गोइंग ऑन डेटिंग होता है। ठीक है तो वेयर आई यूज टू गो फॉर डेटिंग निकल रहा है, सॉरी आई यूज टू गो फॉर बोटिंग, बेटिंग मत लिख दीजिएगा,
ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग, डेटिंग, बेटिंग और बोटिंग, तीनों बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। और इसके साथ ही हाँ, जितने में मैं कभी नहाया हूँ, बोली कैसे लगा रहे हैं? इस लाइन को फिर से करते हैं। लोगों को आपत्ति है, जरा ऑनलाइन वालों सुन लें, ऑफलाइन वालों को आपत्ति है, इसका फिर से किया जाए। विजय जी आप बताएं, मिस्टर विजय, मिस्टर विजय या रईस जी आप बताएं क्या होगा? शिवानी, प्रिया सर, इसमें मैंने लगाया देयर इज नॉट एज मच वाटर इन इंदौर स्थान सरस्वती रिवर एज आई हैव एवर बाथ एंड टेकन अ बोट राइड। हाँ देखिए, इन्होंने कहा है कि देयर इज नॉट एज मच वाटर इन द माइंस ऑफ इंदौर एंड रिवर सरस्वती या सरस्वती रिवर। आगे क्या बोला आपने सर? एज 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 आई हैव एवर बाथ And I have taken a bath and taken a boat ride. ये लिखा है ना? हाँ सर। As दोबारा प्रयोग नहीं होगा, where के बाद as much जब आप अंग्रेजी में एक बार कर लेते हैं उसका मतलब है तुलना हो गया। As much as भी लिख सकते हैं, as much water as I have taken bath। दो बार मैंने as का प्रयोग कर दिया, बस हो गया तुलना। हाँ Not as much होगा, much नहीं, not as much water, as much water के बाद फिर as I have taken bath in, अगर आपको जोड़ना है इसमें क्या, as I have taken bath in लिख दीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो, and gone for a dating, क्या? Boating, very good. है? Gone for a boating. Gone for a नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. Gone for boating या फिर I used to go for boating. ध्यान रहे, O की जगह E मत लगाइएगा. नहीं तो क्या होगा? जुआ खेलने वाला भाव प्रकट होगा. और मुझे लगता है आगे एक लाइन और करेंगे आप लोग. क्या थक गए? करिए सर. हमारी छोटी वाली बेटी जब सो के उठेगी देर से ना, 7 बजे 8 बजे उठेगी, बोली पापा थक गए, जब वो 3 साल की थी तब. ठीक है, वैसे आप लोग थक तो नहीं गए? चलिए एक लाइन और कर लेते हैं. दीपक सर आ रहे हैं. हाथी पाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था. हाथी पाला, जैसे पश्चिम बंगाल में जगह है लीचू बागान, वहां कभी लीचू की खेती होती थी, आजकल तो नहीं है. भूत बागान, वहां भूत रहा करता था. केला बागान, केला रहा करता था, बिका करता था. ऐसे मतलब उस जगह की खासियत हर जगह है भारत में. जैसे हमारे गांव का नाम है शुकुलपुरा, वहां सारे शुकुल जी ही रहते थे. तो पहले ऐसे है कांचरा पाड़ा, कंचन पाड़ा उसका एक्चुअली नाम था पहले. जैसे नेहाती है नल हाथी, पहले नल बनता था, नाल जो होता है ना वो ढोलक वाला एक पतला कोने में, तो वो बनता था यहाँ. और यहाँ पूरे भारत में नट लोग यहाँ से जाते थे. नट समझते हैं जो लोग डांस वगैरह करते हैं, तो इसलिए नल हट्टी था, बाद में नेहाटी हुआ. चलिए हम इस वाक्य का अनुवाद करेंगे. हाथी पाला, हाथी पाला क्या होगा? एलिफेंट ब्रीडिंग प्लेस. हाँ सर, हाथी पाला अनुवाद बताइए ना उसका. हाथी पाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था. बोलिए अनामिका, 10 नंबर जो बताएगा बोलिए. वेरी गुड, बहुत सुंदर इन्होंने बताया. अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए. बहुत सुंदर इसने बताया, फर्स्ट अभी तक 10 नंबर इनको गया. नेक्स्ट जल्दी. हाथी फाला इज फेमस फॉर, वो गड़बड़ा गया थोड़ा सा. हाथी पाला इज नेम्ड, तो फेला ने
आप बताएंगे प्रभु, मिलाइए उनको, बोलिए हाथी पाला वाला लाइन। और कौन बताएगा? हाथी पाला बताइए। यहाँ देखिए कुछ चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? किसी नदी का नाम है ना, ठीक है, तो जो मिसिंग है उसको हम ढूंढ के निकालेंगे। ऐसे वाक्यों में कई बार चीजें मिसिंग रहती, उसको निकाल के लाना पड़ता है। दिस रिवर इज नेम्ड हाथी पाला, यहां से शुरू कर सकते हैं या इस बच्चे का लेते हैं, इसने बहुत अच्छा किया। फिर से बताइए जरा। हाथी पाला गॉट इट्स नेम बिकॉज, बहुत सुंदर प्रयोग है ये, या फिर क्योंकि नदी है ना, तो दिस रिवर इज नेम्ड हाथी पाला बिकॉज, क्यों? वन वंस नहीं, वन हैज टू, वन हैज टू क्या, नहीं नहीं समडे की जरूरत ही नहीं है। वन हैज टू राइड क्या, वंस अपॉन ए टाइम बाद में लिख लीजिएगा। अरे वंस दो बार नहीं, सुनिए दो। वन हैज टू राइड क्या, हाथी एलिफेंट फॉर, किस लिए? क्रॉसिंग इट, हमने द रिवर पहले लगा लिया है तो इसलिए इट लगाएंगे, ठीक है, और द रिवर नहीं लगा है तो द रिवर लिखना पड़ेगा। वंस अपॉन ए टाइम, कभी जो शब्द है वंस अपॉन ए टाइम, यहां शुरुआत करेंगे। हाँ है ना, कंफ्यूज हो गई, बोलो क्या है? इट हैज बीन नेम्ड, वहां तक तो चला गया हाथी पाला, बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम इट हैज बीन नेम्ड हाथी पाला कॉमा बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम वन हैज टू, वन मतलब एक आदमी को, किसी को, वन हैज टू राइड एन होगा ए होगा एलिफेंट, राइट एन एलिफेंट टू क्रॉस दिस रिवर, ये इसका सही है। आप देखिए, आप लोग फिर वही आ जा रहे हैं घूम के। मैंने बताया है कि जब हम किसी कहानी का अनुवाद करते हैं, बेसिकली नैरेटिव्स जो होते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम हमने एक बार लिखा है, एक बार उसका हम बता रहे हैं कि पास्ट का है, लेकिन बाद का। इधर मेरी बात सुनिएगा, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है, हैज होगा या हैड होगा? तो पहली बात तो जो नैरेटिव्स होते हैं उसको हम लोग प्रयास करते हैं प्रेजेंट में लेते हैं। दूसरा, इस वाक्य में एक बार हमने पास्ट का प्रयोग कर दिया है, वंस अपॉन ए टाइम मतलब कभी की बात है, तो एक बार किया है, तो ऐसे वाक्यों में चार तरह से वैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। मैं आपको अगली किसी चर्चा में सिखाऊंगा कि पास्ट को पास्ट से रहने देते हैं, पास्ट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ फ्यूचर, वो सीरीज में आपको बताऊंगा। तो यहाँ क्या होगा, हमने वंस अपॉन ए टाइम पास्ट का प्रयोग किया है, इसलिए उसके साथ में अगला शब्द प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। एक ही तो रिवर है तो देयर क्यों होगा? वन हैज टू क्रॉस दिस, मतलब इस नदी को जिसे हाथी पाला कहा जाता है, और आज भी हाथी पाला है। जैसे एक और उदाहरण मैं देता हूं आप लोगों को, ये जो पास्ट वाला जो दो रूप बता रहा था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी चली गई थी, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी चली गई थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच स्टेशन, द ट्रेन हैड अराइव, कुछ इस तरह का प्रयोग करते हैं जहां दो पास्ट एक साथ करते हैं, कुछ जो मैं भी बताइए सॉरी, तो इस पर हम लोग मंथन करेंगे किसी दिन, समटाइम्स अगले शनिवार को। कल का एक्सक्लूसिव हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, क्रिया पे हमारी चर्चा पूरी हो गई थी, और हम पढ़ रहे थे क्या, वाच्य पढ़ रहे थे, वॉयस जिसे कहते हैं हिंदी अंग्रेजी में, उसकी चर्चा हम कल समाप्त करेंगे। हाथी पाला वाला लाइन समझ में आया? आगे बढ़े, एक लाइन और लें? नहीं, कौन बोला नहीं? भूख लग गई। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। चंद्रभागा पुल के नीचे
उतना पानी रहा करता था जितना, बोली कौन बोलेगा? या वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और कोई इनके समकक्ष बताएगा? हाँ, क्या ये लिखी है तो हम सुन ही नहीं पाए। वेरी गुड। और कोई? देयर यूज टू, जरा मुझे पढ़ के सुना दूं, पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन है। देयर यूज टू एज मच वाटर, मतलब इतना पानी, कहाँ? अंडर द ब्रिज, चंद्रभागा, चंद्रभागा ब्रिज। एक जगह एज मच किए हैं तो एज लगाएंगे, एज कहाँ? इन द चंद्रभागा नदी। आप कुछ कंफ्यूज लग रही हैं, एकदम ध्यान उधर है, थिंकिंग बाहर। हमेशा फेस द चैलेंज, दुश्मन की आंखों में आके डालिए, ठीक है? जो पढ़ा रहा है उसको दुश्मन समझिए। चलिए, एज इन चंद्रभागा रिवर, कहाँ की है रिवर? इन होगा, ऑफ होगा। कितने लोग ऑफ से सहमत हैं? ऑफ महाराष्ट्र, बस पांच लोग, बाकी सब इन, और जो नहीं है वो किसी से सहमत नहीं, वो किए ही नहीं है। सीमा ऑफ, शिवानी, सचिन, प्रिया, क्या बताएं आप लोग? बताएं, इन होगा, ऑफ होगा? अंजलि होगा, ठीक है, बहुमत के साथ चलते हैं, ऑफ होगा, एकदम ऑफ होगा, ठीक है। तो हाँ बोलिए प्रिया, ठीक है, बोलिए, ऑफ होगा, वेरी गुड। मुझे लगता है, मुझे लगता है आप लोग थक गए हैं, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर अगली चर्चा शुरू करेंगे। दीपक सर मुझे लगता है आ गए हैं, दीपक सर ऑन द वे हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे या कंप्लीट कर दें इसको, ब्रेक दें कंप्लीट के? कितने सहमत हैं ऑनलाइन? ये लॉट समझ नहीं पा रहे, ये लोग सोच रहे हैं कहाँ फंस गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और लाइन ले लेते हैं, आगे दीपक सर। इंदौर के बीच से निकलने वाले, निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। यहाँ एक चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है? इंदौर, पढ़िए जरा आप लोग पढ़िए, इंदौर के बीच से निकलने वाली और मिलने वाली नदियां उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। किसको रखती थी हरा भरा और गुलजार? इंदौर को, इंदौर को, इंदौर को, हाँ, तो जरा बताएं इसे, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, इसलिए मैंने कहा फेस द चैलेंज। कौन बताएगा आप में से? आप अमित जी आ गए हैं, ठीक है, बोलिए कौन बोल रहा है? अरे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा, और जानते हैं स्कोरिंग यही, पास यही कराता है। जैसे बोला करते थे ना, प्रेम कराते मंदिर मस्जिद, बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला, वैसे ही आज के समय में है कि पास कराती पेपर टू, ठीक है, और पेपर टू का एक पार्ट वन है। अच्छा स्कोर आ गया तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। क्या डिस्टर्ब हो रहा है, नाराज हो रहा है? हाँ चलिए बोलिए, बोलिए बोलिए, इंदौर वाली लाइन। चलिए ऑफलाइन वाले तो थक गए, ऑनलाइन जो लोग हैं बताएंगे, विजय जी आप बताएंगे, सिंपी आप बताइए, सिंपी ने हैंड तो बहुत देर किया, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए फिर आप लोग ब्रेक ले लीजिए, हाँ 10 मिनट का, दीपक सर पहुंच ही गए हैं। ये किसका फोन है? नेहा का फोटो है, पूरा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग कल सुनिए, 4 या 5 लाइन बची है, कल हम लोग 10:15 शार्प शुरू करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक साथ शुरू कर देंगे, और ये 4 लाइन ले करके फिर हम हिंदी व्याकरण में घुसेंगे,
ठीक है, ब्रेक ले लीजिए, सर आ गए हैं, बस शुरू करेंगे। 10 पानी का बोतल थोड़ा ले लीजिए, बहन जी को भेज दीजिए। दिल्ली ओरिजिनेटेड एंड ड्रेन इवेज होता है उसका, ईवर लाइंस लिख सकती हूँ। जब आईएनजी होगा तो इज एमआर का प्रयोग होता है ना, दीज रिवर्स, अलग बात है।